ठीक। अच्छा बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसका कोई आइडिया नहीं है आप लोगों को? कल मैंने बताया था जो थे, कुछ थोड़ा बहुत बताएं। सर मतलब कि उनका सर्च वॉल्यूम देखे, कीवर्ड इस तरह के यूज करना के मतलब अगर कोई गलत भी लिखे तो उसमें आ जाता है, प्रोडक्ट शो होने लग जाती है ऐसी ठीक उसे। है, अब यहाँ गलत से क्या मुराद था, क्या गलत वो लिखे और क्या प्रोडक्ट शो हो मतलब गया? कि स्पेल गलत हो जाए। अच्छा, मैं अब आप लोग को पढ़ाता हूँ और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े गौर से। ठीक है, अच्छा, लिस्टिंग क्रिएशन के अंदर तीन चीजें आती होती हैं, ठीक है, और चौथी चीज एक और आती है जो कि बैकएंड पे डालते हैं। पहली तीन चीजें कौन सी होती हैं? टाइटल होता है आपका, सेकंड पे बुलेट पॉइंट्स होते हैं, और थर्ड नंबर पे डिस्क्रिप्शन होता है। अगर आपकी प्रोडक्ट के ये तीनों चीजें अच्छी से ऑप्टिमाइज नहीं हुई भी हो, ऑप्टिमाइज मीनिंग कि आपकी अच्छे से कीवर्ड्स की सिलेक्शन नहीं हुई भी होती, आपके सर्च वॉल्यूम जो हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं वो नहीं डले होंगे आपके लिस्टिंग के अंदर, तो आप जितनी मर्जी अच्छी प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो, जितनी अच्छी प्राइस में कर रहे हो, वो नहीं शो होगी किसी को भी। ठीक है, अब शो करने के लिए हमें कीवर्ड्स चाहिए जिसके ऊपर हमने उस लिस्टिंग को बनाना है। ठीक है, इस सबसे पहले एक बात अपने दिमागों में डालें कि ये काम जो होता है बेसिकली कॉपी राइटर का होता है। ठीक है, अब कॉपी राइटर क्या करता है, आप उसको कीवर्ड्स की सिलेक्शन निकाल कर दे देते हो, ये हमारे कीवर्ड्स हैं और आप इसके ऊपर मुझे एक अच्छी सी कॉपी राइटिंग करके दे दो। अब कॉपी राइटिंग करने से ये होता है कि वो बंदा प्रोफेशनल कॉपी राइटर होता है, वो आपको अच्छी सी अच्छा से कॉन्टेंट लिख के दे देता है, आप उस कॉन्टेंट को अपने सेलर सेंट्रल के ऊपर अपलोड कर देते हैं, अपनी लिस्टिंग अपलोड कर देते हैं। आप जैसे सोशल मीडिया के अपनी पोस्ट डालते हैं, कुछ लिख के डालते हैं, ठीक है, उसमें आप सर्चेस के अंदर मतलब हैशटैग्स आप डालते हैं। हैशटैग डालने का मकसद क्या होता है कि अगर कोई उस हैशटैग के थ्रू सर्च करता है मुझे, या कोई भी सर्च करता है, कोई अगर कोई ट्रेंड चला है और वो आपने ट्रेंड का हैशटैग अपने अपनी डिस्क्रिप्शन में या कहीं पे भी डाला है, मैं आपको जनरल बात कर रहा हूँ, अमेजोन की नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ कि आप ट्विटर के ऊपर कोई हैशटैग अगर फॉर एग्जांपल कोई वायरल होता है तो आप उस हैशटैग को क्लिक करते हैं, तो उस जिस जिस बंदे ने उस हैशटैग को यूज किया हुआ होता है अपनी अपनी राइटिंग के अंदर, उस सब आपको उनकी उनका कंटेंट शो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फेसबुक के ऊपर हर जगह पे ऐसा ही होता है कि आप हैशटैग इसीलिए यूज करते हैं कि आपकी जो राइटिंग है वो उन लोगों को नजर आ जाए, जो आपने एक डिस्क्रिप्शन से लिखा है या आपने कोई कोई भी चीज लिखी है, कोई इमेज लगाई है, तो आपकी वहां पर शो होना शुरू हो जाए। ठीक है, इस प्रोसेस को बेसिकली कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, और इस क्रिएशन को कहते हैं कि सारी चीजें बनाना लिखना, लिस्टिंग क्रिएशन कहते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, बस हल्का सा फर्क है कि ऑप्टिमाइज किसे कहते हैं कि किसी चीज को आप अच्छे तरीके से सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली उसको अपने टर्म्स के अंदर डालना ताकि उसके अकॉर्डिंगली लोग सर्च करें। ठीक है, अच्छा, टाइटल जो होता है उसके अंदर बुलेट पॉइंट्स कितने होते हैं, बल्कि आप मुझे ये बताएं कितने हम बुलेट पॉइंट्स डाल सकते हैं? सर मैक्सिमम फाइव फाइव ठीक है, अच्छा, और डिस्क्रिप्शन कितना लिख, डिस्क्रिप्शन में हम क्या करते हैं, मुझे अकॉर्डिंगली कोई एक बंदा आंसर करे कि सबसे रेलिवेंट कीवर्ड्स हम कहाँ डालते हैं और लीस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स कहाँ डालते सर टाइटल के अंदर हैं। ठीक है, उसके और बाद लिस्ट जो होते हैं वो बुलेट पॉइंट के अंदर, और उससे जो लास्ट लिस्ट होते हैं वो डिस्क्रिप्शन के बैकएंड अंदर पढ़ा। बैकएंड ठीक है, अच्छा, होता ये कि टाइटल के अंदर हम एक्यूरेट कीवर्ड्स डालते हैं, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का कीवर्ड, समहाउ इस तरह की चीजें हम उसके अंदर डालते हैं। सेकंड थिंग, इसके जो थोड़े से मीडियम सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनका यूसेज हम कहाँ करते हैं, अपने बुलेट पॉइंट्स के अंदर, पांच के पांच बुलेट पॉइंट्स होते हैं, आप कहीं पर भी उनको यूज कर सकते हैं। और जो थोड़े से लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स होते हैं उनको हम अपने डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, और जो टोटली इररेलीवेंट कीवर्ड्स होते हैं या फिर जो लिस्टिंग क्रिएशन के अंदर नहीं यूज हो सकते ड्यू टू क्या कहते हैं लैक ऑफ स्पेस या समहाउ इस तरीके से, तो उनको हम सर्च टर्म के अंदर डालते हैं या फिर बैकएंड के अंदर डालते हैं। ठीक है, अच्छा, मुझे एक बंदा आंसर करे कि जो हमारे लीस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं, सॉरी, जो लीस्ट सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं जो हमने डिस्क्रिप्शन में डाले होते हैं, उनका हमें बेनिफिट क्या है, क्यों डालते हैं, हालांकि लीस्ट सर्च वॉल्यूम हमने क्यों डालते हैं, कोई रीजन हो उसकी स्पेसिफिक?
अगर कोई और प्रोडक्ट भी सर्च करे तो हमारी भी शो हो जाए उस पेज पे। ठीक है। लीस्ट सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हम इसीलिए डालते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड है, उसका सर्च वॉल्यूम है 1500, ठीक है, तो अब उस 1500 पे भी हम चाहते हैं कि हम उस कीवर्ड पे भी रैंक हो जाए या आ जाए कहीं ना कहीं से, ठीक है, कोई सर्च करे तो आ जाए। ठीक है, मैं बेच रहा हूँ आइसक्रीम स्कूप बेच रहा हूँ, तो मैं क्या कीवर्ड डालूंगा, मैं देखूंगा यार कि ये ग्रोसरी सेट जो होता है इसका कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, हालांकि टोटली इरेलेवेंट, ठीक है, लेकिन मैं बैक एंड के ऊपर उसको डाल दूंगा ग्रोसरी सेट के कीवर्ड को। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि ये जो बैक एंड कीवर्ड्स होते हैं, इनको सर्च टर्म भी बोला जाता है, ये कहां पर होते हैं? किसी को आइडिया नहीं है? टाइटल तो हमारी आंखों के सामने होता है ना, बुलेट पॉइंट्स भी आंखों के सामने होते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन भी हमारे सामने लिखे होते हैं। अब ये जो बैकएंड कीवर्ड्स हैं कहाँ लिखे हुए होते हैं, किसी को आइडिया है? सर्च टर्म में लिख लेते हैं जो अकाउंट में एक जगह की। ठीक है, मतलब मैं अगर कोई लिस्टिंग खोलता हूं तो मुझे कीवर्ड्स नजर आएंगे? नहीं सर, वो नहीं शो होंगे। ठीक है ठीक है, यानी ये किस बंदे को शो होंगे, जिसकी अपनी लिस्टिंग है, जिसकी अपनी प्रोडक्ट है। ठीक है, क्लियर है? जी बैकएंड कीवर्ड्स कहीं पे हमें कभी भी नहीं शो होंगे, हमें जस्ट क्या शो, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकंड। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये इसका टाइटल है, ये बुलेट पॉइंट्स है इसके पांच, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इसका, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इस सबको पढ़ाने से पहले एक चीज मैंने आपको बतानी है कि आप लोगों में से शायद कुछ को पता हो, हम अक्सर डिस्क्रिप्शन देखते हैं, बल्कि आप लोगों ने अब तक इतनी प्रैक्टिस की, आप लोगों को नजर आता होगा कि यहाँ पर पिक्चर्स नहीं आती कुछ लोगों की, यहाँ पर जस्ट ऐसे राइटिंग्स लिखी हुई आती है, कोई पैराग्राफ लिखा हुआ आ जाता है, समहाउ इस तरीके की चीजें लिखी आती है, इसकी रीजन क्या है, पिक्चर्स किन लोगों के पास जाती है और किन लोगों के पास नहीं जाती, कोई बता सकता? सर, पिक्चर्स उनके पास जाती हैं जो ब्रांड ब्रांड रिकॉग्नाइज्ड होती हैं। ठीक है, इसको बोलते क्या, इसको बोलते हैं इनहेंस्ड ब्रांड कंटेंट बोलते हैं, ठीक है, ईबीसी इसका पूरा नाम है, इनहेंस्ड ब्रांड कंटेंट, ईबीसी। जिन लोगों का ब्रांड अप्रूव्ड होता है, जिन लोगों ने ब्रांड रजिस्टर्ड करवाया हुआ होता है अपना अमेजोन के थ्रू, अमेजोन को पैसे दे के अपना ब्रांड रजिस्टर करवाया होता है, तो अमेजोन उनको ये फैसिलिटी देता है कि आप डिस्क्रिप्शन के अंदर ये इमेजेस, ये पिक्चर्स लगा सकते हैं। जिन लोगों का ब्रांड अप्रूव नहीं होता वो सिंपल सिर्फ लिख सकते हैं, पिक्चर कोई नहीं लगा सकते। अब बेनिफिट क्या होता है, वो पिक्चर क्यों लगाते हैं, इसकी कोई स्पेसिफिक रीजन? खूबसूरती के लिए। अब कोई आए यहाँ पर, इसकी प्रोडक्ट खोलता है, प्राइस देखता है, प्राइस अच्छी लगी है, समहाउ अच्छे लिखा है डिस्क्रिप्शन, हमेशा वो पहले दो तीन पढ़ेगा, कभी पहले पांच, पांच की पांच नहीं पढ़ेगा, दो तीन पढ़ लेगा, उसको समझ आएगी, बस खत्म, ठीक है फाइन, ठीक है, उसके बाद नीचे आकर जब वो, अट्रैक्ट ठीक है, उसको पिक्चर थोड़ी सी आई कैची लगेंगी, वो फिर उस चीज को देख खरीद लेगा, अभी देखेगा कि अच्छा ये मटेरियल है, यहाँ यहाँ यूजेज में है, और फलाना फलाना, इसकी सबसे देखेगा तो वो इस चीज को बाय कर लेगा। इनहांस ब्रांड कंटेंट इसीलिए लिखा जाता है, ये इसका ब्रांड नेम आ गया, इसके लोगो आ गया, ये इसका लोगो इसकी पिक्चर पे भी शो हो रहा है, इसके पैकेजिंग पे भी शो हो रहा है, ठीक है, ओरियंट नाम है इसका, ठीक है, इसने अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, अपना लोगो, अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, ये इसका ब्रांड नेम, ठीक है। अच्छा अब एक चीज माइंड में डाल लें या कहीं पे लिख लें, बताने लोगों एक इंफॉर्मेशन, लिमिटेशन कितनी होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए। जब आप टाइटल लिखते हैं ना, तो आपका टाइटल 150 से 200 के अंदर अंदर रहना चाहिए। क्या चीज? कैरेक्टर्स, नॉट वर्ड्स, मैं कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूं। अब कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कैरेक्टर्स आर बेसिकली अल्फाबेट्स, ठीक है, आपके जो अल्फाबेट्स हैं वो अंडर होने चाहिए 150 से 200 के दरमियान टाइटल के, क्लियर है? जैसे कि ये वर्ड लिखा हुआ है किचन, तो किचन हैज 1 2 3 4 5 6 7, सेवन कैरेक्टर्स, ठीक है, तो
इसके कैरेक्टर्स 150 से राउंड अबाउट 200 के दरमियान दरमियान रहने चाहिए। अगर रहेंगे तो ये ऑप्टिमाइज लिस्टिंग कहलाएगी। ऑप्टिमाइज मतलब एक आई कैचिंग, ना ज्यादा लेंथी हो और ना ही थोड़ी कम हो, ठीक है। इसकी लिमिटेशन इतनी ही रखनी है आपने, क्लियर है। क्या आप कर रहे हैं? ठीक है, इसकी जो मैं लिमिटेशन बता रहा हूँ आप लोग लिखते जाएं। कितनी लिमिटेशन मेरे टाइटल की? 150 मिनिमम, मैक्सिमम 200। हाँ, 150 से राउंड बट 200 के दरमियान दरमियान कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, नोट वर्ड्स, ठीक है, कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। आगे चलते हैं, उसके बाद आते हैं बुलेट पॉइंट्स। अब एक एक बुलेट पॉइंट आपका 400 से कैरेक्टर्स पे आना चाहिए। कितना? 400 होने चाहिए बुलेट पॉइंट्स के अंदर? 400 से रिपीट करो। बुलेट पॉइंट्स के अंदर आप 5 बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है। ईच पॉइंट कंटेन्स 400 टू 500 कैरेक्टर्स, याद रहेगा? जी सर। इसको नोट करते जाइए। 5 बुलेट पॉइंट है तो एटलीस्ट 25 राउंड अबाउट 20 कैरेक्टर्स। हां एग्जैक्टली 20 टू 2500, ठीक है, राउंड अबाउट कैरेक्टर्स। कैरेक्टर मींस अल्फाबेट कितने होने चाहिए? हाँ, अल्फाबेट्स की बात कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। मैंने आपको बताया हैव 7 कैरेक्टर्स, किचन हैव 7 लेटर्स अल्फाबेट्स, ठीक है। अच्छा, सबसे नीचे आते हैं और यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन आता है। हम बात करेंगे सिंपल, जो मोस्टली होता है, हर बंदा ब्रांड अप्रूव नहीं करवाता, ठीक है। हम सिंपल बात करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में कितने कीवर्ड्स, सॉरी कितने कैरेक्टर्स आने चाहिए। तो आपके 1500 से लेकर 2000 के दरमियान दरमियान तक कैरेक्टर्स किधर लिखे होने चाहिए? डिस्क्रिप्शन के अंदर। 1500 से लेकर 2000 के दरमियान, याद रहेगा मैंने क्या बताया? जी सर। यस सर। ठीक है, अच्छा बाकी लोग भी रिस्पॉन्स करें, बाकी सब सुन नहीं रहे, बोल तो कुछ नहीं रहे। अब मुझे बताएं कि मैंने टाइटल का कितना बताया? 150 से 200 सर। ठीक है, कशिश आप बताएं बुलेट पॉइंट्स में कितने होने चाहिए? 400 टू 500 सर। ठीक है, और सोनिया आप नहीं बल्कि योहान आप बताएं कि ईच सॉरी डिस्क्रिप्शन में कितने मैंने कैरेक्टर्स बताए हैं? सर 1500 टू 2000। योहान ने बोला, हाँ ठीक है, 1500 से 2000 तक, ठीक है। ये हमें लिमिटेशन पता चल गई है। हमारे टॉपिक को पढ़ने से पहले चीजें जानना बहुत जरूरी थी, इसलिए मैंने आप लोगों की चीजें बताई हैं, ठीक है। अब हम अपनी मेन चीज पे चलते हैं। अच्छा, ये मैंने सर्च किया शेफ नाइफ, ठीक है, प्रोडक्ट कोई से भी खोल ली थी, कीवर्ड सर्च किया, कीवर्ड मैंने अपने 2-3 कंपेटिटर्स पकड़े, मुझे लगे कि कंपेटिटर्स कौन से। अच्छा, मुझे पढ़ाने से पहले कोई एक बंदा ये बताए कंपेटिटर्स में अपने 2-3 अगर पकड़ने होंगे तो मैं कैसे पकड़ूंगा, कोई एक बंदा बताए मुझे। मुझे करना है कि ये मेरा कंपेटिटर है, मैंने कंपेटिटर अपने किसी बंदे को अपना कंपेटिटर कैसे समझना, बताए। सिंपल सा आंसर आप लोगों को बताएं मुझे। आप सर, अगर हमारी प्रोडक्ट्स अगर सेम होंगी, थोड़ी सी मतलब एक दूसरे से मिलती होंगी तो हमारा कंपटीटर होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो, क्या कहना चाह रहे हो? कि मतलब जैसे कोक है और एक पेप्सी है, वो थोड़ी सेम ही आपस में मिलती है तो वो एक दूसरे के कंपटीटर है। अच्छा, अब मुझे आप बताओ कि मैंने इस प्रोडक्ट मेरा मेन कंपटीटर, ठीक है, मेन कंपेटिटर ये है, या फिर मैं ये वाली प्रोडक्ट अपनी बेचने जा रहा हूँ, सेम यही प्रोडक्ट बेचूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, पहली रो के अंदर मेरा कंपेटिटर और कौन सा मैं समझ सकता हूँ? कैसे समझ नहीं आई? ये है मेरा क्वेश्चन, ये है कि मैं ये प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है जी सर, इनमें से 1-2-3 इनमें से मैं अपना कंपेटिटर और किसको समझूं? सर सब भी है, मतलब सब भी नाइफ बेच रही है बस। एग्जैक्टली, अब समझ आई, ये बेच रहा है,
हाँ एक पैक में बेच रहा है, ये भी पैक में बेच रहा है, तो मुझे एक ये मिला है जो कि अनपैक बेच रहा है, सिंगल बेच रहा है, ठीक है। एक कंपेटिटर मैं इसको पकड़ लूंगा अपना, फिर मैं देखूंगा कि डिजाइन में कोई वेरिएशन तो नहीं आ रही, ये जो बेच रहा है इसका डिजाइन कुछ और है, बल्कि नहीं इट सेम, इसका और हमारा तकरीबन सेम है, एक इसको कंपेटिटर बना लूंगा अपना, एक इसको बना लूंगा, इसका डिजाइन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। मैंने अपने जैसे प्रोडक्ट्स को उठाना है, तीन चार बंदों को उठा ले, उठाकर उनके एसेंस कॉपी करने, ये एग्जांपल, ठीक है, तीनों के मैंने उसका और इन दो का एसेंस कॉपी किया, और एक दो और उठा लो, मतलब तीन चार को उठा लो आप, उनके एसेंस कॉपी करके हम किधर पेस्ट करते होते हैं, सेरिब्रो के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैंने दो के ऑलरेडी डाले, मैं कुछ तीसरा भी सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई कंप्यूटर, ठीक है, और एसेंस कॉपी करूंगा, कॉपी करके मैं इधर इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, सेरिब्रो के अंदर लाके पेस्ट कर दिया, चल जाए बस आज टूल। अच्छा अब ये इसने मुझे कितने 4140 कीवर्ड्स दिखा दिए इन तीन बंदों के, ठीक है। मैं यहाँ से चार से पांच करता हूँ, तो मतलब चार पांच कंपेटिटर्स के एसेंस डालूंगा, तो मेरे पास कोई आ जाएंगे राउंड अबाउट 6000-8000 इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। अब ये मेरे पास एक अच्छी भली लिस्ट आ गई, ठीक है। अब सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है, इसको सॉर्ट करना होता है, इस पे क्लिक करूंगा सॉर्ट हो जाएगा ना, डबल क्लिक किया इस पे, अब ये फ्रॉम हाई टू लो पे आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे आप यहां से सिलेक्शन तो इतने ज्यादा कीवर्ड्स की आप नहीं कर सकते, ठीक है, मैग्नेट से आपने 20 से 25 अच्छे अच्छे कीवर्ड सेलेक्ट कर लेने हैं, किससे, मैग्नेट से। अब ये देखें मैं यहां पर फिल्टर फॉर एग्जांपल लगाता हूं 2000 का, कोई मुझे बताया कि मैं 2000 का क्यों लगा रहा हूं, 5000 का क्यों नहीं लगा रहा, रीजन क्या है, क्योंकि ऑलरेडी वो 4000 में है ना, नहीं कोई और रीजन है इसकी, सर हमें टाइटल में भी लिखने होंगे, डिस्क्रिप्शन में भी लिखने होंगे, बुलेट्स पॉइंट में भी लिखने होंगे, exactly. इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने सिर्फ मेन कीवर्ड नहीं निकालना, मेन कीवर्ड तो हमें पता चल गया, दैट इज किचन नाइफ या फिर शेफ नाइफ है, ठीक है, तभी तो हमने उसको सर्च करके उसके कंपेटिटर्स खोले, मेन कीवर्ड तो हमारे पास आ गए, अब हमने बाकी के कीवर्ड भी निकालने हैं जिससे हमने लिस्टिंग क्रिएट करनी है अपनी, याद रहेगा, तो जो थोड़े से लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं हमने उनको भी निकालना है, ठीक है। अब यहां से मैं देखता हूँ हेल्थ किचन, अब ये मुझे लग तो नहीं रहा क्योंकि अच्छा कीवर्ड है, लेकिन बार देख लेते हैं नहीं है ये कोई कीवर्ड, ठीक है, इसको यहां से रिमूव कर दूंगा, मैं एक रिमूव कर दिया और ये रिमूव कर दिया, अब राइस कुकर ये भी नहीं है, अब पता है किचन सेट, नाइफ सेट बहुत एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, नाइफ सेट कीवर्ड है जिसको अमेज़न चॉइस का टैग भी मिला हुआ है, मैं इस कीवर्ड को डाल सकता हूँ, बताएं सर, रख सकते हैं, रख सकता हूं मैं, अच्छा जी ठीक है, सर्च वॉल्यूम इसका 46,000 है, इसको मैं डाल सकता हूं, बट माय क्वेश्चन इज मैं बेच तो सिंगल प्रोडक्ट रहा हूं, तो मैं सेट का कीवर्ड डालूंगा, सर जब वो कीवर्ड सर्च होगा तो मे बी आपकी भी प्रोडक्ट उसमें आ जाएगी, ठीक है, बट अगर कोई बंदा यहां से रीड आउट करता हुआ आता है, करता है पहली दो लाइन पढ़ता है और वो यहाँ पर सेट का वर्ड पढ़ता है और वो पिक्चर देखता है, बाकी पिक्चर्स स्क्रॉल करता है, वो सब पिक्चर्स में कहते हैं तो एक ही प्रोडक्ट बेच रहे, सेट तो कहीं पे है ही नहीं, एक बैड इंपैक्ट पड़ेगा ना लिस्टिंग पढ़ते हुए, तो इसको दूसरे में एग्जैक्टली ये बहुत अच्छा कीवर्ड है, ठीक है, लेकिन हम इसको मेन लिस्टिंग में यूज नहीं करेंगे, ठीक है, इवन दो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अच्छा गिफ्ट बॉक्स, हाँ गिफ्ट बॉक्स जो है अच्छा कीवर्ड नहीं है, इररिलेवेंट है, बहरहाल इसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, इसको मैं अगर बैकएंड पे डालना चाहूँ तो डाल लूंगा, बट मैं इसको अभी फिलहाल सिलेक्ट नहीं करता, ठीक है।
स्लो कुकर्स वगैरह इस तरीके से आपने किचन नाइव्स ये एक अच्छा कीवर्ड है सिलेक्ट वगैरह किया, किचन टूल्स एंड गैजेट्स ये भी मेन कीवर्ड नहीं ऐसा लग रहा है सच, लेकिन हम इसको कहीं ना कहीं डाल देंगे। अब ना इसमें सेट आ रहा है ना कुछ और आ रहा है, अब टूल्स एंड गैजेट्स लिखा हुआ है तो हम कोई लाइन बना सकते हैं ना इस चीज के ऊपर, किचन टूल्स एंड गैजेट्स इंक्लूड शेफ नाइव्स और समहाउ, इस तरीके दो चार चीजें कोई अपनी तरफ से लाइन बना सकते हैं ना। बेसिकली वही बात की कॉपी राइटर जो होता है उसको तो आर्ट होता है, किसी चीज को भी किसी तरीके से मोल्ड करके एक लाइन बना देना, ठीक है। इवन दो ये कीवर्ड एक इररेलेवेंट सा कीवर्ड लग रहा है, बट यहाँ पर कोई स्पेसिफाई नहीं की गई चीज कि ये सेट है या ये क्या चीज है, कोई चीज नहीं सेट होगी, तो हम इसके अंदर अपने डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कोई लाइन बनाकर, इस कीवर्ड को बीच में डालेंगे किचन टूल्स एंड गैजेट्स, ठीक है, और कोई लाइन भी बना देंगे। उससे फायदा होगा कि 24,000 इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है, 24,000 इसका सर्च वॉल्यूम है, तो हमारे पास ये चीज आना शुरू हो जाएगी। लेकिन हम सेट्स नहीं डाल सकते थे, सेट्स की रीजन क्या थी कि हम बेच ही नहीं रहे सेट्स, ठीक है। तो आपने ये चीजें थोड़ी सी नोट करनी है, गिफ्ट बॉक्सेस वगैरह वगैरह सारी चीजें, शेफ नाइफ और नाइफ शार्पनर और किचन नाइफ, स्टीक नाइफ, वेजिटेबल नाइफ, इस तरीके से आपने ये सारे के सारे कीवर्ड जो है इसको पहले यहां से खोल कर ना आप 150 कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने क्यों किया कि वन वर्ड वन पेज के ऊपर आ जाए, एक पेज के ऊपर ये सब आ जाए, ठीक है, इसलिए 150 किया। अब यहाँ से अपनी मर्जी के कीवर्ड उठाते जाएं, जो नहीं आपको लग रहे उसको क्रॉस करते जाएं, करते जाएं, आपको लग रहे नहीं अच्छी क्रॉस करते जाएं, बाकी जितने भी आ जाएंगे अपने पास कितने रखने 95 है, अपने पास आपने 25 कीवर्ड रखने हैं, 25 से 30, ठीक है, 20 से 25 या 25 से 30 कीवर्ड रखने हैं, जिसके अंदर से 8 से 10 या 10 से 12 कर लें आप, आपके तगड़े से तगड़े कीवर्ड्स हो और एग्जैक्ट कीवर्ड्स हो। एग्जैक्ट मतलब कि आपकी प्रोडक्ट के टोटल रेलिवेंट कीवर्ड्स हो, कितने 8 से 10 या 12, कितने कीवर्ड्स आपके टोटल रेलिवेंट हो। अभी देखिए ये मैशेट नाइफ, ये मेरे ख्याल ब्रांड का नेम है, ठीक है, ये ब्रांड नेम डाला हुआ है। बात ये होती है कि कुछ ब्रांड्स फेमस हो जाते हैं तो लोग उनके ब्रांड के नाम के थ्रू सर्च करते हैं अमेज़न के ऊपर, ठीक है। अब डेमेस्कस नाइफ ये भी कोई ब्रांड हो सकता है, इलेक्ट्रिक नाइफ ये हमारे, हम इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर दूंगा। अब इस तरीके से आपने देखते जाना है कौन सा कीवर्ड मैं डाल सकता हूँ, कौन सा नहीं डाल सकता, कौन सा आपने बस इनकी लिस्टिंग्स एक अच्छी सी बनाकर अब आपने क्या करने, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं 20 से 25 कीवर्ड्स, जिसके अंदर आपने बहुत अच्छे से छानबीन करके कितने कीवर्ड्स निकाल लिए, 25 से 30, ठीक है, जिसके अंदर से 8 से 10 आपके टोटल रेलिवेंट कीवर्ड्स होने चाहिए टोटल, ठीक है। और जो बाकी के कीवर्ड्स बता रहा हूँ वो होने चाहिए जो कि आप जिसके थ्रू लाइंस बना सके, ठीक है। लाइंस मतलब कोई लॉन्ग टेल कीवर्ड आ जाता है, आप उस कीवर्ड को डालना चाहते हैं, कोई अपनी कॉपी राइटिंग करते हुए अच्छी सी लाइन बना ले और उस कीवर्ड को अंदर डाल दे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दे, लेकिन प्रोडक्ट जैसा ही कीवर्ड हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर किचन एक वो आया था, पता नहीं क्या आया था अभी ऊपर जो आप लोगों को बता रहा था, गैजेट्स वगैरह की, उसकी एक लाइन बनाकर लिखते हैं, ठीक है। और जो टोटली इररेलेवेंट कीवर्ड्स लग रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक नाइफ है या समहाउ इस तरीके से जो कीवर्ड है, वो आप अपने बैकएंड के लिए रख लें, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, सर्च वॉल्यूम कितना था इलेक्ट्रिक नाइफ का, 3070। अगर इसको भी मैं अपनी उसमें डालता हूँ, बैकएंड के ऊपर डालता हूँ, तो इलेक्ट्रिक नाइफ भी कोई जस्ट सर्च करता है तो हमारी प्रोडक्ट आएगी ना, ठीक है। इस तरीके से आपने वो कीवर्ड्स डालने। अब देखें नाइफ और कुकर के बीच में कोई ताल्लुक बनता है नहीं बनता, बट कैटेगरी इन लोगों की एक ही है और वो क्या है, किचन, होम एंड किचन की कैटेगरी है। इस बंदे ने ये वाला कीवर्ड भी डाला हुआ है जो कि इसने बैकएंड पे डाला हुआ है, लेकिन हमें शो नहीं होगा, और हमें ये शो कौन करवाएगा, सेरिब्रो करवाएगा। आइडिया हो गया अब सेरिब्रो के थ्रू हमने कैसे कीवर्ड्स निकालने हैं, ठीक है। अच्छा अब यहां से आपके पास कीवर्ड्स आ जाते हैं। अब आपकी यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा और मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि 20-25 कीवर्ड्स ही रह जाए, ज्यादा ना रह जाए, 2500 कर देता हूँ, कितना करूं 3000 कर दूं, आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है। अच्छा एक मुझे कोई बंदा एक बात बताएगा कि लिस्टिंग करते वक्त मुझे कितना एक टाइम रिक्वायर होता है, लिस्टिंग करने के लिए मुझे बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही सबको, नहीं हमें तो आ रही है, नो आईडिया सर, पता नहीं क्या इशू हुआ है एकदम। आप खोले अपना सर्च वॉल्यूम, जो है सर्च वॉल्यूम कह रहा हूँ, सॉरी वॉल्यूम बटन थोड़ा सा देखें डाउन हुआ होगा। अच्छा हम पहले अलग लिखेंगे ना, क्या कहा आपने, मैंने साफ इसमें पहले अलग लिस्ट किया था, इनके तरीके से
मुझे फिर समझ नहीं है, किसी को समझ आई क्या कह रहे हैं भाई? कह रहे हो कि हम एम एस ऑफिस में तैयार करेंगे ना वार्निंग पहले लिस्टिंग सारा। हाँ मैं ये कह रहा था कि आपको लिस्टिंग के लिए जो टाइम ड्यूरेशन मिलता है वो आपको 40 से 45 दिन मिलता है। अब वो ड्यूरेशन क्या है आपको पता है? वो ड्यूरेशन ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट फाइनल हो चुकी है, अब आपने सोर्सिंग करवानी है। अब सोर्सिंग में मैंने आपको बताया था मैन्युफैक्चरर कितना टाइम लेगा बनाने के अंदर, किसी को याद है तो जल्दी बताएं। 20 दिन, 20 से 25 और पहुंचाने के लिए कितना टाइम लेगा? हाँ तकरीबन टोटल जो है 40-45 दिन बनते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेज विल बी 20 डेज एंड शिपिंग डेज विल बी 20-25 डेज। ठीक है, इतना टाइम आपके पास है। आपने ये कभी भी हरकत नहीं करनी कि अपनी प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो एक ही दिन में बनाकर बैठ के कहें जी मैं चिल हो गया हूं, बस बात खत्म। अच्छे अच्छे कीवर्ड्स रोज उठें, रोज बैठें, रोज देखें, क्योंकि आपके पास तकरीबन 1-1.5 महीने का टाइम होता है। रोज कीवर्ड्स निकालें, रोज उसको इम्प्रूव करें, करते हुए एक अच्छी सी लिस्टिंग तैयार कर लें। ठीक है, आपके पास बहुत टाइम होता है लिस्टिंग क्रिएशन के लिए। अच्छा अब एक बात बताएं, अच्छा ये मैंने फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड्स निकाल दिए, टोटल मेरे पास कीवर्ड्स रह गए 40। अब मैंने इनको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट के बटन में क्लिक करूंगा, बिल्कुल यहाँ से ऊपर जाकर एक्सपोर्ट का बटन आ रहा है। ठीक है, आई क्लिक ऑन एक्सपोर्ट बटन और एक्सेल के ऊपर एक्सेल सेकंड नंबर पे लिखा आ रहा है, इसको क्लिक कर दूंगा। अब ये क्या होगा कि ये फाइल जो होगी मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी। मैं इसको खोलता हूँ। अच्छा इसको जरा ओपन करता हूँ। अच्छा मुझे अब देखिए, इसने कीवर्ड्स मुझे दिखा दिए, कितने कीवर्ड्स है, राउंड बट 40 थे। ठीक है, इसने दिखा दिए सारे कीवर्ड्स। ठीक है, अब इसमें मेरे काम की चीज क्या है, सिर्फ ये वाला डब्बा है सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली और उनके कीवर्ड्स अकॉर्डिंगली, ये मेरे पास आ गए हैं। ठीक है, अब क्या करना है इसको, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है अभी, इसको डिलीट कर। अच्छा एडिटिंग की, अच्छा एक्सेल केस वाले कॉलम को डिलीट कर दूंगा क्योंकि मुझे इसका काम नहीं है, डिलीट कर दूंगा। मेरा काम सिर्फ एक इसके साथ है, फ्रेजेस के साथ और एक सर्च वॉल्यूम के साथ है। मैं बाकी जितना भी आगे बनता है सबको यहां से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, डिलीट कर दिया। अब मेरे पास दो कॉलम रह गए। अब आपके पास इस तरह का एक आ जाएगा। अब ये मैंने आपको क्यों सिखाया एक्सेल के ऊपर ये शीट डाउनलोड करना, क्योंकि आप लोगों के पास जब कोई क्लाइंट मांगता है कि आपने आज काम क्या किया है, ये काम मतलब क्या था, सर्च वॉल्यूम के हिसाब से कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट किए कि नहीं किए, तो आपके पास एक प्रॉपर फाइल पड़ी हुई हो जो आपको बताए कि यार मैंने हाँ हाँ ये आपके कीवर्ड सर्च किए जो कि टोटल रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अब तरीका ये है, अब फॉर एग्जांपल इफ आई सपोज दिस इज माय रेलिवेंट कीवर्ड, ठीक है, मैं इसको क्या करूंगा ग्रीन कलर दे दूंगा। मैं कहूंगा कि यार ये सारे कीवर्ड जो हैं ये मेरे टोटली रेलिवेंट कीवर्ड्स आए हैं। फॉर एग्जांपल ये सारे के सारे कीवर्ड मेरे रेलिवेंट थे, इनको ग्रीन कलर कर दिया मैंने। अब ये जो कीवर्ड्स हैं कुछ ये अच्छे कीवर्ड्स हैं बट इतने रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, इनको मैं क्या करता हूँ येलो कलर में कर देता हूँ, येलो कलर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद कुछ बाकी कीवर्ड्स रह जाते हैं उनको और के कलर दे देता हूँ, ग्रे कलर दे देता हूँ। इस तरीके से आपके पास एक प्रॉपर सी फाइल पड़ी हुई हो कि ठीक है कि ये वाले जो क्लाइंट वन आई व्यू दे और उसको समझ आ जाए कि ये कीवर्ड्स हैं, ये अच्छे कीवर्ड्स हैं, ये टोटली इसने रेलेवेंट कीवर्ड्स निकाले हैं। और वो जब वो कीवर्ड्स को पढ़े तो उसको पता चल जाए कि यार किचन सेट, किचन नाइफ अच्छे कीवर्ड्स हैं, टूल्स एंड गैजेट्स वगैरह वगैरह, वेजिटेबल नाइफ, ब्रेड नाइफ, सब चीजें बहुत अच्छे कीवर्ड्स हैं, उसको पहले ही पता चल जाए। हालांकि हमारी प्रोडक्ट जो है वो ब्रेड नाइफ नहीं है, ठीक है, ब्रेड नाइफ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमने ये डाला हुआ है क्यों और इसको हम ग्रे कलर करके बता देंगे कि ये कीवर्ड मैंने इसीलिए डाला हुआ है, ऐसा कलर डाल देंगे कि आप बैकएंड के ऊपर यूज कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पर बेशक अगर आपका दिल करे तो एक छोटा सा कॉलम बना दीजिएगा जहां पर लिख दीजिएगा ब्लैक कलर जो है मैंने डाला है वो किस लिए डाला है, कि ये इररिलेवेंट है, इररिलेवेंट है। फिर नीचे लिख दें कि जी जो मैंने ग्रीन कलर डाला है ये टोटली रेलिवेंट कीवर्ड है, ठीक है। उनकी क्वांटिटी लिख दें कि ये 15 है या कुछ है। तो अब आपने इस तरीके से करके एक अच्छा सा बॉक्स बना के उसको तैयार कर देना है और क्लाइंट को बताने कि आपके आसानी के लिए मैंने बताया हुआ कि ये वाले जो कलर्स हैं इसलिए यूज होते हैं, ये वगैरह कलर्स जो इसलिए यूज होते हैं, ठीक है। अब आपके पास कितने आ गए, सेरिब्रो के थ्रू आ गए। आप वर्कशीट पे जाएं, इस पे क्लिक करें, इसका नाम आप सेरिब्रो डाल दें, ये वाले कीवर्ड्स मैंने सेरिब्रो से निकाले हैं, ठीक है। और किन किन कंपेटिटर्स के निकाले हैं आप फौरन से उधर जाएं और कंपेटिटर्स को सिलेक्ट करें, वापस सिलेक्ट नहीं होंगे। खैर मैं सपोज करता हूँ कि कंपेटिटर था ना मेरा, कहाँ गया। अब आपने उनके एसेंस भी कॉपी करके रख लेने ताकि क्लाइंट को पता चले अच्छा ये कंपेटिटर्स थे मेरे जिसको उसने यूज किया। दो तीन कंपेटिटर्स को पकड़ के आप यहां से इनके एसेंस डाल दें, ठीक है। ऐसे दो तीन एसेंस आप डाल दें कि ये सारे कंपेटिटर्स मैंने यूज किए हुए हैं और इन कंपेटिटर्स के थ्रू मैंने सेरिब्रो के कीवर्ड्स निकाले हैं और कलरिंग करके आपको बता दिया है कि कौन सा कीवर्ड कैसा है, कौन कितना अच्छा है, कौन कितना अच्छा नहीं है। यहां तक किसी को क्लियर नहीं हुआ तो मुझसे भी पूछें, फिर मैं सेकंड लिंक भेजता हूं, बाकी का तब करवाता हूं। एक डेढ़ मिनट रह गए, कोई चीज नहीं क्लियर तो अभी पूछें मुझसे। सबको क्लियर है? जी सर क्लियर है। देख लें, दोबारा पूछ रहा हूँ, सबको क्लियर है? सर अभी तक तो क्लियर है, बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो। प्रैक्टिस लाजमी करनी है आप लोगों ने, ठीक है। बताया कि आपने अपने कंपेटिटर सिलेक्ट करने हैं, सिलेक्ट करने के बाद आपने उन कंपेटिटर्स के साथ क्या करना है, उनके कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करके, उनके कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करके आपने सॉरी उनके एसेंस कॉपी करके आपने उनके कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एसेंस उनके कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर लिया, सेरिब्रो में डाल के उनके एसेंस कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करके आपने अच्छे अच्छे कीवर्ड्स निकाले हैं और वो सेरिब्रो ने हमें दिया। वो कीवर्ड्स हैं जो इन तीन बंदों ने या इन चार पांच जितने भी मेरे कंपेटिटर्स हैं इन बंदों ने अपने लिस्टिंग में यूज किए हुए हैं, ये वो सारे कीवर्ड्स निकाले हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, मैं लिंक भेजता हूँ वो आपको बताता हूँ कि सम अप करके आज हम उठेंगे, थोड़ा सा लंबा जाएगा लेक्चर तो इसको कल अच्छे से आप लोगों को तैयार होना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं लिंक दोबारा भेजता हूँ आप लोगों को। अच्छा ये हमने सेरिब्रो के कीवर्ड्स निकाल दिए हैं, ठीक है। अब मैं जाता हूँ अपने दोबारा मैग्नेट के ऊपर जाऊंगा, अपने मैग्नेट पे क्यों जाऊंगा, क्योंकि मुझे मैग्नेट से भी कीवर्ड्स निकालने हैं। अच्छा मैग्नेट खोलता हूं मैं, खोलकर मैं अपना कीवर्ड डालता हूँ। मेरा कीवर्ड था शेफ नाइफ था, ठीक है। सीट चेंज करना है जर्मनी की। क्या चीज? मार्केट ऊपर जर्मनी की। ओ हाँ, शिट 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 शिट, कहाँ पे है ये? अच्छा अब शेफ नाइफ कीवर्ड आ चुका है हमारे पास, ठीक है। अब शेफ नाइफ के अलावा उसने कहा है कि इससे रेलिवेंट मिलते जुलते कीवर्ड्स मैं आपको मैग्नेट से निकाल कर दूंगा। अब अगेन प्रोसीजर क्या है, सर्च वॉल्यूम को दो दफा क्लिक करके इसको सॉर्ट करें, ठीक है, अपनी अकॉर्डिंगली कीवर्ड्स देखें। मैं यहां 1000 का फिल्टर लगाता हूं, 346 रह गए। अगेन क्या करूंगा,
जो कीवर्ड्स इररिलेवेंट उनको डिलीट करता जाऊंगा। देखें कितने अच्छे अच्छे कीवर्ड्स ने दिए, नाइफ सेट, नाइफ किचन, नाइफ, नाइफ ब्लॉक, शेफ, नाइफ, नाइफ शार्पनर, किचन नाइफ, ये सारे मेन लग गए। वेजिटेबल नाइफ, ब्रेड नाइफ, कैंसिल, नाइफ सेट विद ब्लॉक, और ये ब्रांड नेम है, ठीक है, विक्टोरिनेक्स, विक्टोरिनॉक्स, ये ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम का चक्कर आप लोगों को समझाता हूँ, आप लोगों को खुद समझ आ गई होगी इस चीज की भी। वैसे खैर कि ब्रांड नेम हम डाल तो नहीं सकते लिस्टिंग में, लेकिन बैकएंड पे डाल सकते हैं। कोई अगर ब्रांड के नेम के थ्रू हमें सर्च करता है, ठीक है, तो हम भी उसके अंदर शो होना शुरू हो जाएंगे। जापानीज नाइफ मुझे नहीं लगता कि मेन कीवर्ड है, बहरहाल डाल देंगे इसको बैकएंड के ऊपर। अच्छा देखिए कितने अच्छे अच्छे कीवर्ड दे रहे हैं अभी मुझे। एक ये कीवर्ड है इररिलेवेंट है, अच्छा मैशिट नाइफ नहीं पता, अच्छा ब्रांड नेम है, ये भी डेमेस्कस ब्रांड नेम, इलेक्ट्रिक नाइफ बैकएंड पे डाल देंगे। अब यहां से आपने पहले तो इसको 150 किया करें हमेशा, कि जितने भी कीवर्ड्स हैं मुझे एक ही पेज पे शो करवाओ, ठीक है। अच्छा यहां से हमने किधर तक पहुंच गए थे? अब आपने, मैंने 1000 का फिल्टर इसलिए लगवाया क्योंकि मैग्नेट जो है ये अच्छे कीवर्ड्स देता है, ठीक है, रेलेवेंट कीवर्ड्स भी देता है, रेलेवेंट भी देता है। तो आपने यहां से सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से करनी है। चाइनीज नाइफ नो हाउ, डोंट नो कि मेन कीवर्ड है कि नहीं है। अब आपने यहां से जो आपको लग रहा है कि अच्छे कीवर्ड्स हैं उनको सिलेक्ट करते जाएं, बाकियों को डिलीट करते जाएं, ठीक है। मैं इस तरीके से फॉर एग्जांपल डिलीट करता जाता हूं, और मेरे पास अभी रह जाते हैं 300 थे। मैग्नेट से मुझे तकरीबन कीवर्ड्स चाहिए 50 से 60 या 70 कीवर्ड्स चाहिए मुझे मैग्नेट के, जो कि अच्छे कीवर्ड्स कहलाते हों, ठीक है, जो कि अच्छे कीवर्ड्स हों। अब मैंने उन कीवर्ड्स को क्या करना है, लेट सपोज यहां से मुझे, मैं इसको फिल्टर लैनर्ड ऑन और करता हूं, मुझे 50-60 कीवर्ड्स मिल जाते हैं फॉर एग्जांपल। अच्छा आप लोग फिल्टर 1500, 2000, 3000 कट्ठे मत लगाइएगा, आप हल्के फिल्टर से जाइएगा और उसमें से सिलेक्शन कीजिएगा कीवर्ड्स, ठीक है, क्योंकि हमें वो वाले कीवर्ड्स भी चाहिए जिनका सर्च वॉल्यूम कम हो, ठीक है। आप इसको बड़े अच्छे तरीके से कीजिएगा। मैं इसको जल्दबाजी करने के लिए इसको 3000 लगा देता हूँ, ताकि मेरे पास सिर्फ टोटल कीवर्ड्स जो रह जाए वो तकरीबन 50-60 ही रह जाए। कितने रह गए, 118, 3500 करके देख लेता हूँ, जहां नहीं समझ आए रोक के पूछिएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे मैग्नेट ने टोटल कीवर्ड्स 60-70 या 80 तकरीबन इतने दे दिए। अगेन आई डू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करने के बाद कहां पर है, करने के बाद इसकी शीट खोलूंगा, ठीक है। अगेन मेरा काम क्या है कि वो कीवर्ड्स जो के सॉरी बाकी के जो फिल्टर्स हैं इनको रिमूव करना, अच्छा एनेबल एडिटिंग, अच्छा इसको भी रिमूव कर देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, इनको कॉपी करूंगा, हो गए कॉपी, ठीक है, इनको कॉपी करके मैं उसी पेज पे जाऊंगा, जाकर सेकंड यहां प्लस का निशान था इसको खोलकर मैंने इसका नाम रख दिया मैग्नेट, ठीक है, कि मैग्नेट के कीवर्ड से, और इधर क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा डायरेक्टली, ठीक है। सर्च वॉल्यूम कितना था इन कीवर्ड्स का, अगेन जाकर इनका सर्च वॉल्यूम कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद इधर लाकर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब एक तरफ मेरे पास सेरिब्रो की आ गई, दूसरी तरफ मैग्नेट की आ गई, तो मैं इस वाले को बंद कर देता हूं अब, ठीक है। सेरिब्रो के भी आ गए, मैग्नेट के भी आ गए। अब इसके अंदर अगेन आपने ये करना है कि यार ये वाला कीवर्ड जो है, अच्छा ये बहुत अच्छा कीवर्ड है, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, ठीक है। ये वाला जो है इतना अच्छा नहीं है, इसको मैं येलो दे देता हूँ, ठीक है।
इस तरीके से आपने कीवर्ड्स की अलाइनमेंट करनी है, कौन सा कीवर्ड कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है। अगेन यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ सा बना दें कि पता चल जाए क्लाइंट को कि ये कीवर्ड जो है ग्रीन कलर के जो है ये ज्यादा तगड़े हैं, येलो कलर के उससे थोड़े कम है, रेड कलर के थोड़े बहुत ही इररेलीवेंट कीवर्ड्स है बट दे हैव हाई सर्च वॉल्यूम। ठीक है, इस तरह के कीवर्ड्स आपने निकाल लेने हैं। निकालने के बाद आपके पास दो सेट तैयार हो चुके हैं, कीवर्ड्स आपके पास आगे जितने भी थे आ चुके। Yes. ठीक है, अच्छा एक अलग से एक चीज समझाने लगा जो कि अब मैं दो तीन चीजें बिल्कुल अलग से समझाऊंगा जो कि वीए के कोर्स में नहीं आते बट आपकी नॉलेज में रखने के लिए वो जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक्सक्लूडिंग कोर्स है लेकिन माइंड में होना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि यूएस के अंदर क्या जुबान बोली जाती है, यूएस के अंदर इंग्लिश। ठीक है, आप लोग थोड़ा हैरान भी होंगे चीज सुन के कि यूएस के अंदर स्पेनिश तक इवन बोली जाती है कहीं ना कहीं, 15-20% स्पेनिश भी बोलते हैं लोग। ठीक है, अच्छा अब लेट सपोज मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे एक उर्दू आती है, मुझे एक इंग्लिश आती है, दैट्स इट, मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। ठीक है, अब मैं कोई चीज सर्च करता हूँ, मैं जाता हूँ दराज के ऊपर, दराज के ऊपर जाके मैं कैप सर्च करता हूँ। ठीक है, कि मुझे कैप चाहिए। ठीक है, और साथ में मैं उस पर टोपी सर्च कर देता हूँ, मुझे टोपी चाहिए। ठीक है, तो मुझे टोपी के ऊपर भी नजर आना शुरू हो जाएगी मेरी प्रोडक्ट। अब दराज को पता है कि यार ये जो है ये पाकिस्तान कंट्री है। ठीक है, ये उर्दू में भी लिख सकते हैं, हर बंदा इंग्लिश में नहीं लिखेगा, तो वो उर्दू वाले टर्म्स बीच में डालते हैं। अब हम यूके के ऊपर काम कर रहे होते, अभी छोटी सी टेक्निकल चीज है कि जो कीवर्ड्स आपको लगे ऐसे कि जो बहुत अच्छे कीवर्ड्स है, मेन कीवर्ड्स है, ठीक है, उनको आपने उठाकर स्पेनिश में कन्वर्जन कर लेनी है यूएस मार्केट के लिए सिर्फ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक और कॉलम बना देता हूँ। स्पेनिश को डच लैंग्वेज, क्या कहा, डच लैंग्वेज, डच कुछ का इतना नहीं आइडिया, मैं आपको यूएस का बता रहा हूँ ना कि यूएस के अंदर स्पेनिश कीवर्ड्स के थ्रू भी लोग सर्च करते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, मैं लेट सपोज चेक करता हूँ, नाइफ सेट बहुत अच्छा कीवर्ड है, किचन नाइफ्स बहुत अच्छा कीवर्ड है, इन तीन चार कीवर्ड्स को जो मुझे अच्छे लग रहे हैं इनको उठाता हूँ, कॉपी करके गूगल पे जाता हूँ, यहाँ जाकर गूगल ट्रांसलेटर ऑन करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ डिटेक्ट लैंग्वेज है, इसको इंग्लिश कर देता हूँ, इंग्लिश कहाँ पर है, इंग्लिश कहाँ पर है। ठीक है, कन्वर्जन किसमें करनी है इसकी, स्पेनिश के अंदर, स्पेनिश 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 ये रहा। ठीक है, यहाँ पर मैंने कीवर्ड्स अपने पेस्ट कर दिए, दैट्स इट। ठीक है, और कौन कौन से कीवर्ड्स हैं मुझे अच्छे लग रहे हैं, किचन नाइफ, अच्छा नाइफ्स भी हो गया था, नाइफ भी हो गया ना, इसको भी कर लेता हूँ, जाता हूँ यहाँ पर। इस तरीके से आपने अच्छे अच्छे कीवर्ड्स यहां से उठाने हैं। मैंने अब मैग्नेट से उठा लेता हूँ थोड़े से, किचन सेट, ठीक है, इसको कॉपी किया, ये सिर्फ यूएस के लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये यूके में नहीं चल सकता, फिर गया इसको पेस्ट कर, अब ये मुझे उसने कीवर्ड्स दिखा दिए। अब मेरे पास किचन नाइफ को स्पेनिश में क्या कहा जाता है, सेट दी पता नहीं क्या। ठीक है, इस तरीके से कीवर्ड्स आ गए। अब अगर मैं अपना मैग्नेट खोलता हूँ, मैग्नेट कहाँ पर है, मैग्नेट खोलता हूँ और यहां पर मैं वन बाय वन करके कीवर्ड सेट करता हूँ, यार ये जो किचन सेट है इसको इसको लोग सर्च करते हैं कि नहीं करते। सर्च किया, मार्केट चेंज की .com के अंदर, ये सिर्फ यूएस का समझा रहा हूँ मैं, ठीक है, यूके में नहीं चलेगा। देखता हूँ कि इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है कि नहीं, अगर है तो उसको लिस्टिंग में डालें, किधर डालें, बैकएंड के ऊपर, और अगर नहीं है रहने दें उस कीवर्ड को। अब आपके पास ये कितने कीवर्ड्स आ गए, इनमें से कोई एक तो चलता होगा ना, देखते हैं जरा। अल्लाह तेरा यासर। अच्छा देखिए जी, वो कहते हैं जी amazon.com के अंदर 446 सर्च वॉल्यूम है। अब आप सोचें कि इसका है तो सही ना कुछ सर्च वॉल्यूम, अगर कोई स्पेनिश में सर्च करता है, और ये ट्रिक हर बंदे को नहीं पता होती, आपको मजे की बात बता रहा हूँ, स्पेनिश की ट्रिक हर बंदे को नहीं पता, अगर आप 446 में किसी एक बंदा भी आपका, मतलब 446 बंदे एक महीने के अंदर, एक महीने में 30 दिन है, ठीक है, 30 दिनों के अंदर 446 बंदे इस कीवर्ड के थ्रू सर्च कर रहे हैं, आप सोचें कि अगर वो बंदा एक दफा भी प्रोडक्ट खरीद लेता है इस कीवर्ड के थ्रू, तो आप उन लोगों से कितना बेहतर है जिन्होंने ये वाला कीवर्ड यूज नहीं किया हुआ है, कि नहीं है। और कीवर्ड्स देखते हैं,
किचन सेट किचन नाइफ, इसको चेक करते हैं जरा। समझ आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को? सबको आ रही है? नहीं आ रही तो बताएं मुझे। अच्छा, समझ भी किसी को नहीं आ रही और समझ आ भी सबको रही है, यो कह रहे हैं। अच्छा, इसका सर्च वॉल्यूम 400 आ गया, बट स्टिल मैं इसको डाल सकता हूँ, ठीक है। अब इस तरह से इतने ज्यादा कीवर्ड्स मेरे पास लिखे हुए हैं जो कि मैं अपनी प्रोडक्ट के अंदर डाल सकता हूँ। किस जगह पर? बैकएंड के अंदर। इसको भी चेक करते हैं जरा, इसका सर्च वॉल्यूम आता है। अब ये आपको समझाने का मकसद ये था कि आपको पता चल जाए कि स्पेनिश कीवर्ड्स भी यूज किए जाते हैं सिर्फ यूएस मार्केट के अंदर। अब मैं इनको कॉपी करूंगा, जितने भी कीवर्ड्स मेरे पास आए हुए होंगे स्पेनिश, ठीक है। कॉपी करने के बाद इनकी अलग से फोल्डर जो मैंने बनाया हुआ है वहां पर जाकर इनको पेस्ट कर दूंगा। कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गए आपके पास तीन किस्म के कीवर्ड्स आ गए। अभी हम सिर्फ कीवर्ड्स इकट्ठे कर रहे हैं, लिस्टिंग बनाएंगे अभी हम, कीवर्ड्स इकट्ठे कर रहे हैं। अच्छा, आपको कीवर्ड्स निकालना मैग्नेट के थ्रू और सेरिब्रो के थ्रू और कीवर्ड्स निकालना, ये सब चीजें आ गई हैं, ठीक है। अब एक चीज है मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी कोर्स का हिस्सा नहीं होती लेकिन सिर्फ समझना है आप लोगों ने। एक दफा समझ लेंगे आपको बस माइंड में बैठ जाए, इतना ही काफी है, ठीक है। एक दो दफा अपने हाथों से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतना ही काफी है। उसका कोई ऐसे यूज नहीं है लेकिन सीखना तो इंसान को चाहिए। मैं आपको वो चीज दिखाता हूँ। एक यहां पर एक सब टूल आता है जिसका नाम है मिस पेलिनेटर, ठीक है। इसको ओपन करता हूं। अब यहां पर मैं अपने कीवर्ड्स डालता हूं, लेट्स सपोज मेरे पास यही वाले कीवर्ड्स हैं, ठीक है। मैं यहां पर ये कीवर्ड्स डालता हूं, ओरिजिनल कीवर्ड्स प्रिपेयर करता हूं और ये सिलेक्ट ऑल, ये कह रहे हैं कि इतने इतने कीवर्ड्स हैं जो कि रिपीट नहीं हो रहे। नाइफ जो है वो रिपीट हो रहा है, नाइफ नाइफ नाइफ, तो उसने एक ही दफा बता दी। मैं कहता हूँ सिलेक्ट ऑल करके मुझे इनके स्पेलिंग मिस्टेक्स दो, ठीक है। इसका मतलब है कि मुझे स्पेलिंग मिस्टेक, कौन सा खोला हुआ मैंने, यूएस खोला, एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। अल्लाह खैर। अच्छा, मैंने उसको कीवर्ड्स बताए थे, उसने मुझे ये चीज दे दी है, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्लिक हुए हुए वो कीवर्ड्स आएंगे जो कि अमेज़न की तरफ से होंगे। अब इसको बड़े गौर से सुने, समझने की हद तक रखें, अगर बाद कहीं यूज करना होता है तो इसको यूज करें। अब देखें, ये फिल्टर, ये सब टूल मुझे ये सिखाता है, ये बताता है कि ये जो कीवर्ड्स है नाइफ 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 नाइफ, ये वो कीवर्ड्स हैं जो लोग गलती करते हैं लिखने में, ठीक है। कोई नाइफ की स्पेलिंग KNIFE ये होता है नाइफ, तो लोग इसको इस तरीके से लिख रहे होते हैं, इस तरीके से भी लिख रहे होते हैं। काइफ भी, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक क्यों करते हैं कि वो टाइपिंग कर रहे हो तो उनका मेजोरिटी बंदे जो हैं वो स्पेलिंग गलत लिख देते हैं। कोई कीवर्ड जैसे डी के साथ एफ लिखा होता है, एफ के साथ जी लिखा होता है, इस तरीके से उनका हाथ कहीं और दब जाता है। अब उससे ये होता है कि वो कीवर्ड मिस स्पेल हो जाता है, उनकी स्पेलिंग मिस्टेक आ जाती है। अगर आप उन स्पेलिंग मिस्टेक पर भी रैंक होना चाहते हैं, उन स्पेलिंग मिस्टेक पर भी आप चाहते हैं आपकी प्रोडक्ट शो हो, तो आप ये वाले कीवर्ड्स भी यूज करें। कैसे करें ये देखें। ये कहते हैं कि जो नाइफ है ये लोग गलती से सीधा लिखते हैं, लेकिन Amazon क्या करता है, इसको ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है। नाइफ लिखा है उसने तो वो ऑटोमेटिकली इसको नाइफ में कन्वर्ट कर देगा, बट जिसके ऊपर टिक हुआ आ रहा है नाइफ, तो Amazon उसको ऑटोमेटिकली
नहीं कन्वर्ट करता। इट मीन्स के 100% में से 8% लोग ये वाली मिस्टेक करते हैं जिसको अमेज़न सीधा करता ही नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरा कीवर्ड था सेट। अक्सर लोग SET लिखते हैं, सेट लिख देते हैं। कितने लोग, 18% लोग 100% में से ये वाली मिस्टेक करते हैं जिसको अमेज़न खुद से ठीक नहीं करता, और बाकी जितने भी हैं उनको ठीक कर देते, जिनके आगे यस लिखा हुआ है उनको ठीक कर देते, जिनके आगे अंडर 5% लिखा आ रहा है। तो ये कह रहा है कि ये कीवर्ड जो है, ये वाले कीवर्ड जिनके अंडर 5% को कुछ ना कुछ हद तक ये अमेज़न खुद से ठीक कर देता है, बट हमेशा नहीं करता, तो हम इन कीवर्ड्स को यूज ही नहीं करेंगे। हमें वही कीवर्ड्स चाहिए जिनका अमेज़न खुद भी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ठीक ना करे, ताकि हम उन कीवर्ड्स पे भी रैंक हो जाए, ठीक है। ये भी इसने खुद ही सिलेक्ट करके हमें दे दिया। अच्छा, आगे जाते हैं किचन। किचन के जितने भी स्पेलिंग लिखे हैं अमेज़न इसको ठीक कर देता है, ठीक है। कोई मेरा ख्याल इसमें कीवर्ड नहीं है जिसको अमेज़न ठीक नहीं करता है, सारे किचन के आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नाइफ्स का आना शुरू होता है। नाइफ के लोग स्पेलिंग डिफरेंट किस्म के लिखते हैं, तो NIVES नाइफ्स जो है इसको अमेज़न सीधा नहीं करता। इस तरीके से आपके पास ढेर सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे। अब जो सिलेक्टेड कीवर्ड है, हमने क्या करना है, सिंपली ऊपर जाना है, कॉपी सिलेक्टेड का आ रहा है, कॉपी सिलेक्टेड और कॉपी ऑल, कॉपी ऑल करेंगे तो जो के जो ये वाले कीवर्ड्स भी, ये भी आ जाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ चाहिए वो जिनको अमेज़न सीधा नहीं करता। हमने क्या करना है, कॉपी सिलेक्टेड पे क्लिक करना है, हो गया सिलेक्ट, और अगेन जाना है। ये क्यों आ रही है लाइन यार। अच्छा, अगेन हमने जाना है अपनी इधर, और यहां पर हमने लिखना है स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। यहां पर हमने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये इसने वो कीवर्ड्स दे दिए जो कि अमेज़न खुद से सीधे नहीं करता। अब मुझे एक बात बताएं, जब आप क्लाइंट को देंगे, अगर आपका US का क्लाइंट है या जो भी है, जब वो चीज देखेंगे कि सारे लोग तो मैग्नेट और सेरिब्रो पे काम कर रहे होते हैं, पहला बंदा जिसने स्पेलिंग मिस्टेक का भी आइडिया मुझे दिया है कि अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी होगी और आप उस पर भी रैंक होना चाहते हैं तो आप आराम से इस तरीके से रैंक हो सकते हैं, तो वो थोड़ा सा खुश नहीं हो जाएगा कि ये चीज तो पहली दफा मैंने भी सुनी है। अभी आ रही क्लास के अंदर, सुभान अल्लाह। अच्छा, तो ये आपके लिए एडिशनल सर्विस दीजिए इसको। क्या चीज? एडिशनल सर्विस मिल जाएगी। हाँ, एडिशनल सर्विस मिल जाएगी बेसिकली, ठीक है। अब आपने करना क्या होता है, यहां तक आपका अपना काम है, कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करना, कीवर्ड्स निकालना, ये आपका अपना काम है। इसके बाद का काम जो होता है ना, वो करना तो एक कॉपी राइटर को ही चाहिए, लेकिन आपको भी हल्का फुल्का कुछ ना कुछ आना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करने से इंसान को आता है, कोई भी पैदाइशी जो होता है बचपन से कॉपी राइटर नहीं होता, लेकिन हल्का फुल्का काम आपको आना चाहिए, जिसकी एक छोटी सी ट्रिक है वो भी सिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास कीवर्ड्स आ चुके हैं, आपने अपने कि सर मैंने आपके लिए कीवर्ड्स निकाल दिए, अब आप इसको चेक कर लें। उसको चेक करते कहते हैं यार जबरदस्त, बहुत अच्छे कीवर्ड्स लेकर के दिए, अच्छा इन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर मुझे लिस्टिंग बना कर दे। तो लिस्टिंग कैसे बनाते हैं, अगेन खोलूंगा। अच्छा, याद रहे कि आपको सिर्फ जो चीज बताई है, एक मैग्नेट और एक सेरिब्रो, ये मेन चीज है जो आपको आनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक या जो स्पेनिश कीवर्ड्स वगैरह हैं, ये सब चीजें आनी चाहिए, लेकिन इतनी नेसेसरी लोगों को, मतलब लोगों को एक तो ये चीज पता नहीं है, ठीक है। सेकंड थिंग कि आप इस चीज से थोड़ा सा एक मार्जिन निकाल सकते हैं, एक अच्छा इम्पैक्ट आ सकते हैं, ठीक है। लिस्टिंग में इनको बैक एंड पे ही यूज करना है, ये ना कि आप गलत स्पेलिंग अपने टाइटल में डाल दें, ठीक है। बैक एंड पे इन कीवर्ड्स को यूज करना है। अच्छा, अब दो टूल्स का नाम लूंगा मैं, एक है फ्रैंकेनस्टाइन और एक है स्क्रिबल, ठीक है। आपको याद हो कि ना याद हो, मैंने आपको प्रोडक्ट हंटिंग जब पढ़ाई थी, आई टोल्ड यू कि ब्लैक बॉक्स, मैग्नेट और सेरिब्रो, ये तीन की जो सब टूल्स हैं हीलियम 10 के, ये हमने यूज करने हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, और ये दो टूल्स जो है स्क्रिबल और फ्रैंकेनस्टाइन, ये हमने यूज करने हैं लिस्टिंग के लिए, ठीक है। इसके आगे लिखा हुआ कीवर्ड प्रोसेसर, इसके आगे लिखा हुआ लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना, छोटी सी चीज है, मजा आएगा इसको देखिएगा आप, बिल्कुल आसान सी चीज है, ठीक है। मैं फ्रैंकेनस्टाइन पहले खोलता हूँ, अब ये मेन चीज है, ये याद रखनी है, फ्रैंकेनस्टाइन और स्क्रिबल वाली, मैं इसको अब बताता हूँ। फ्रैंकेनस्टाइन खोला, उसने मुझे कोई ऐसा इंटरफेस दिखा दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, कितने कीवर्ड सिलेक्ट किए थे मैंने, मैं कहता हूँ मुझे सारे कीवर्ड उठा कर दे दो, सारे कीवर्ड सिलेक्ट करूंगा जो कि मैंने सिलेक्ट किए हुए थे, सेलेक्ट करके यहाँ पर लाकर पेस्ट, ठीक है। सर स्क्रीन आगे नहीं जा रही है, वीडियो स्टक हो गई है सर, टूल्स पे शो हो गया, स्टक हो गई है, यस सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, बताएं टूल्स पे रुक गई,
कर्सर हिलता हुआ नजर आ रहे? नो नो सर, नो कुछ भी नहीं। दोबारा शेयर करता है, एक सेकंड। ये क्या मसले हैं जी, जब शौक से बंदा पढ़ा रहा हो तो मसले आ जाते हैं। अब बताएं, स्क्रीन शेयर दे। नो नो सर। क्यों हो रहा है? जस्ट अ सेकंड। ब्लैंक हो गई स्क्रीन या कोई चीज स्टक हो गई है? मतलब किधर हम स्टक हुए हैं ये बताएंगे मुझे आप? सर हीलियम 10 हो रही है। हीलियम 10 पे स्टक हुए मैं, देखता हूँ मैं। अच्छा सारे सबको नजर सर क्यों हो रहा है? एक सेकंड पे देखो मैं शेयर। अब बताए। नो सर। नो सर। चलिए फिर मैं आपको दोबारा लिंक भेजता हूँ। रिपीट भी कर देता हूँ, दोबारा रिकॉर्ड कर देता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, रिपीट करता हूँ उसको, जल्दी जल्दी से उसको रिपीट करूंगा। अच्छा आप किसी को याद है कि जब मैंने रिकॉर्डिंग जब स्टार्ट की थी ये वाली, तो मैंने कहाँ से स्टार्ट की थी? अच्छा मैंने बताया था कि ये, मैंने बताया था हीलियम 10 के अंदर दो फिल्टर्स मजीद होते हैं जिसके थ्रू हम लिस्टिंग करते हैं, विच इज फ्रैंकेनस्टाइन और स्क्रिबल। ठीक है, फ्रैंकेनस्टाइन को मैं अपना खोलूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद ये पेज आ जाएगा। ठीक है, ये पेज आ जाएगा, इसके ऊपर मैं अपने जितने भी कीवर्ड्स मैंने निकाल के रखे हुए थे वो सारे के सारे कॉपी करूंगा मैग्नेट से, सेरेब्रो से हर जगह से कॉपी करके आई पेस्ट ऑन इट, फ्रैंकेनस्टाइन पे पेस्ट कर दूंगा। फ्रैंकेनस्टाइन पे पेस्ट करने के बाद ये इधर क्लिक हुआ होगा ऑलरेडी। ठीक है, एड ओनली स्पेसिस, ये इस तरीके से क्लिक हुआ होगा। आपने क्या करना है, वन वर्ड फ्रेज पर लाइन पे क्लिक कर देना। ठीक है, डुप्लीकेशन रिमूव करनी है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है, और कॉमन वर्ड्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, जो कॉमन वर्ड्स हैं बेसिकली, उनको रिमूव करना है। करने के बाद यहाँ पर आपको वो कीवर्ड्स एक लाइन के अंदर दे देगा। टोटल कीवर्ड्स 268 थे, अब उसने 115 कर दिए। आपने डायरेक्टली यहीं से स्क्रिबल के ऊपर क्लिक करना है और आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, स्क्रिबल पे आपने किधर से क्लिक करना है, फ्रैंकेनस्टाइन के बिल्कुल नीचे स्क्रिबल लिखा हुआ है, आपने यहाँ अगर दोबारा स्क्रिबल नहीं ऑन करना, आपने जस्ट फ्रैंकेनस्टाइन पे जाके नीचे स्क्रिबल ऑन करना है, और स्क्रिबल ऑन करके आपका इस तरह आ जाएगा। अब जितने ये रेड कलर के कीवर्ड्स दिखा रहे बहुत हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स है, रेलिवेंट कीवर्ड्स है। ठीक है, उसके बाद जितने पीछे जाते रहेंगे ऑरेंज ग्रीन ब्लू ब्लैक, ये उतने वीक कीवर्ड्स होते रहेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा किचन नाइफ तो उसने वहां से रिमूव कर दिया, किचन नाइफ का वर्ड दो पाया, किए दफा इसने यहाँ पर दो लिख दिया। अब मैं यहाँ पर कोई भी आर्टिकल वगैरह लिखता हूँ, ए एन वगैरह वगैरह जो भी है, तो वो उसको नहीं दिखाएगा, उसको ब्लैक कलर ही दिखाएगा, रफ ही दिखाएगा। ठीक है, या मेरी प्रोडक्ट से रेलिवेंट कोई कीवर्ड है, जैसे मैंने अभी आपको डाल के दिखाया था बैलून। ठीक है, और बैलून डाल देता हूँ और स्कूप डाल देता हूँ। ठीक है, इस तरह जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे ब्लैक में ही शो करेगा कि इनका सर्च वॉल्यूम तो है बट आपकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली नहीं है। आपको यहां से देखकर आइडिया हो जाएगा कि टाइटल बनाते कैसे हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर आप लोगों को, एक तो ये तरीका अपना टाइटल बना लें, दूसरा तरीका ये था कि आपने दो तीन बंदों को असेस करना है, असेस करने के बाद उनके कीवर्ड्स की जगह अपने कीवर्ड्स डाल दें, सेम वही डाल दें, इसने किचन मीट ऊपर डाला हुआ है, नीचे डाला हुआ है, आप किचन मीट ऊपर डाल दें। ये वो लोग करते हैं जो नाड़ी होते हैं, जिनको कुछ नहीं पता होता। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया बुलेट पॉइंट्स आपने लिखने हैं या डिस्क्रिप्शन लिखने हैं, आपको कोई लाइन समझ नहीं आती, आप चाहते हैं थोड़ा सा इसमें प्लेजरिज्म ना आ जाए, तो आप लोग किसी भी डिस्क्रिप्शन या बुलेट पॉइंट्स कॉपी कर दें। इसका डिस्क्रिप्शन गायब हो गया, कहाँ गया, ये लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ से इस बंदे का कॉपी करें, यहाँ से जितना भी है कॉपी करके आप जो है एक एक्सटेंशन है आप उस पर जाकर एक्सटेंशन रन करें। कोई लाइन कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। अच्छा जी क्या कहते हैं एज Accurately hand shape, पता नहीं क्या है, इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके वर्टून पे जाकर, वर्टून एक्सटेंशन है। ठीक है, ये इसकी पिक्चर है और इसको आपने एड टू प्रॉम कर लेना है। ठीक
बाद जाकर आप इसको जस्ट पेस्ट करें, पेस्ट करने के बाद सिलेक्ट ऑल करें और इसके ऊपर रन कर दें। अब वो कह रहे हैं आपके पास तीन टोटल सेंटेंसेस हैं। एक ये है कि एज एक्यूरेटली शार्प टू 15 पर साइड, आप इसको कर लें, एज आर एक्यूरेटली हैंड शेप वगैरह वगैरह, आप इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लें, वो लाइन चेंज हो जाए, प्रोड्यूसिंग रेजर शेप ब्लेड्स और एफर्टलेस वगैरह। आप इसके भी लाइन लिखना चाहते हैं वो लाइन आप यहाँ से डाल सकते हैं। बेसिकली इंग्लिश में अगर आप थोड़ा सा मजीद कोई इजाफा करना चाहते हैं अभी, तो यहाँ से आपके लिए एक सब टूल है जो कि जरूरी है, ठीक है, आप यहाँ से डाल दें। सूटेबल फॉर चॉपिंग, मिंसिंग, माइंसिंग, स्लाइसिंग वगैरह वगैरह, तो आप यहाँ से कोई लाइन उसकी जगह डाल दें। सेम इसको कॉपी करके आप अपने लिस्टिंग में डाल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप अपने कीवर्ड्स डालें डिस्क्रिप्शन के अंदर, कोई ऐसे कीवर्ड्स जो आप डालना चाहते हैं, तो आप डाल दें सूटेबल फॉर चॉपिंग विद नाइफ, शेफ नाइफ, सूटेबल फॉर चॉपिंग विद नाइफ, मिंसिंग विद पता नहीं क्या, शार्प ब्लेड वगैरह। इस तरीके से आपने कीवर्ड्स बीच में ऐड करके एक अच्छी सी लिस्टिंग कॉपी करके अपनी सेलर सेंटर आकर पेस्ट करके अपने लिस्टिंग में डाल दें। अब बताएं, यहां तक मैंने रिपीट भी कर दिया है, कोई चीज मिस हो गई हो या समझ ना आई हो तो मुझे बताएं। एक चीज रह गई है, मैं आप लोगों को भी बताता हूं, यहां तक समझ आई है कि नहीं आई? आ गई है सरदार, समझ नहीं आई थी। हाँ पूछे, सरदार भी मुझे बिल्कुल आवाज नहीं रही, माइक करीब करके बोले सर। टूल में हम एडिटिंग किस तरह करेंगे एक्सटेंशन के अलावा? एक्सटेंशन के अलावा लिस्टिंग किस तरह करेंगे? वो फिर आपको कॉपी राइटिंग आनी चाहिए ना, वो तो नहीं आती होती किसी को भी, तो ये टूल इसलिए कि आप हल्का फुल्का सा वर्डिंग चेंज कर लें। अब आपके पास जो लिख पड़ा हुआ है, ठीक है, आप कोई सा भी एक कंपेटिटर पकड़े, आज के दिन मुझे सब अपने कंपेटिटर्स बताएंगे मेरे ये कंपेटिटर है, नेक्स्ट क्लास से पहले तक थर्सडे या फ्राइडे तक, मेरे असल पेपर्स भी चल रहे हैं आज, कल मंडे को पहला पेपर भी है मेरा जिसकी अभी तक तैयारी कोई शुरू नहीं की मैंने, ठीक है, तो आप लोग उसकी बैठकर लिस्ट किसी कंपेटिटर को पकड़े और पकड़ के उसकी लिस्टिंग को एनालाइज करें, उसमें लिखें कि उसने पॉइंट्स क्या क्या लिखे हुए। देखें बुलेट पॉइंट्स लिखने के तरीके क्या होते हैं, इस बंदे ने पहले जगह पे क्या लिखा है कि ये अल्ट्रा शार्प एज, ठीक है, डेमेस्कस शेफ नाइफ, उसके बारे में उसने एक फीचर जो उसने हेडिंग दी उसका फीचर बता दी कि ये, दूसरे में वो कहता है कि ये हाई कार्बन स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है, उसके बारे में उसने दो चार लाइनें लिखी, तीसरे में कहता है कि ये कंफर्टेबल है, इजी टू यूज है वगैरह वगैरह, ठीक है, उसके बाद ये गिफ्ट एज अ गिफ्ट भी यूज कर सकते हैं हम, उसके बारे में उसने छह सात लाइनें डाल दी। अच्छा, क्वालिटी गारंटी 100%, ठीक है, इसकी क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, 100% है, और मनी बैक गारंटी देता है वो बंदा कि जी आप सेटिस्फाई हो जाए वगैरह वगैरह, ठीक है। अब आप दूसरे किसी कंपेटिटर को खोलें, उसने क्या डाले में, बेस्ट फ्रेंड, वर्क इन द किचन लाइक अ प्रो वगैरह वगैरह, दूसरी हेडिंग का डीवी है शार्प एंड स्टडी, तीसरी का डीवी है बैलेंस हैंडलिंग, उसको आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, इजी ग्रिप है उसकी, ठीक है, अगेन सेटिस्फेक्शन गारंटेड कि आप 100% जो है आपको कैश बैक मिल जाएगा अगर आपको पसंद नहीं आती वगैरह वगैरह, ठीक है। तीसरे बंदे इस तरह भी होते हैं हाँ सर, जिस कंपनी से या जहाँ से हम ये बनाते आपको मटेरियल कौन सा चाहिए, आप मटेरियल कौन सा बताएंगे जो आपने आपके कंपेटिटर का होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई कंपेटिटर, आपने जाके उसकी सारी डिटेल देखनी है, अच्छा ये क्या कर रहा है, इस प्राइस में बेच रहा है, ठीक है, मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं, स्टेनलेस स्टील सर, ये कंपेटिटर जरूरी है, कंपेटिटर तो मैंने आपको बताया था सोर्सिंग की क्लास के अंदर लास्ट वीक कि जब तक आप हम इसे नहीं होगा तब तक आप प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं करेंगे, आपको जब देने वाला ही नहीं मिलेगा आप कैसे अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, आपको उसका फीचर उसकी प्रोडक्ट देखनी पड़ेगी कैसा, किस मटीरियल में बेच रहा है, लोग किस मटीरियल में ज्यादा खरीदते हैं, उस मटीरियल में तो मैं बना के बेचूं, ठीक है, ये बताता है जी स्टेनलेस स्टील में बेच रहा है और दुबई क्या कह रहा हूँ यूके में बेच रहा है वगैरह वगैरह, इसकी सब चीजें आ गई, ठीक है। अगेन आपने सोर्सिंग वाले बंदे को पढ़ानी है, आपने सब चीजें अपने मैन्युफैक्चरर को बतानी है तभी तो वो बना कर देगा, ठीक है। अच्छा अब एक चीज सर, वो भी डिस्क्रिप्शन हाँ? देगा ना सर, क्या चीज कंपनी की डिस्क्रिप्शन, हां हां वो देगा पिक्चर्स कहां से लेंगे हम, ये पिक्चर जो है आपको जो क्लाइंट सॉरी जो आपका मैन्युफैक्चरर होगा ना, दो केसेस बनते हैं, आप मैन्युफैक्चरर से कह दें कि वो पैसे लेता होता है आपके क्लाइंट से, आपका कोई काम नहीं पिक्चर्स के अंदर, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ वीए की सर्विस के अंदर पिक्चर्स नहीं इंक्लूड होते, आपका कोई काम नहीं है, आपका जो मैन्युफैक्चरर है आप उससे बात कर लेंगे कि आपको वो पिक्चर्स अच्छी सी करके भेज दे, ठीक है,
अगर वो भेज सकता है वेल एंड गुड है, नहीं तो मैंने आप लोगों को बताया था सोर्सिंग के टॉपिक के अंदर कि आप लोग सैंपल भी मंगवाते होते हैं, ठीक है। तो जब आप सैंपल पाकिस्तान मंगवाए या आपका क्लाइंट बाहर कहीं पे मंगवाता है तो उसको बताएं कि पिक्चर्स अच्छी अच्छी सी किसी बंदे से शूट करवा कर भेज दें। अब वो शूट भी करवाएगा और उसको एडिट भी करवाएगा। आपको क्या लगता है ये जो पिक्चर पड़ी हुई है, फॉर एग्जाम्पल ये मेन पिक्चर है, असल में इसने पिक्चर को बनाई हुई है? नहीं, इसने एडिट किया हुआ है सारा पिक्चर को किसी, इसको क्या कहते हैं, डिजाइनर से, किसी ग्राफिक डिजाइनर से इन्होंने पिक्चर डिजाइन करवाई हुई है, प्रोडक्ट की तस्वीरें लेकर हल्का फुल्का सा डिजाइन करवाया हुआ है, असली पिक्चर्स नहीं है सारी की सारी, ठीक है। अब पिक्चर्स की बात हो रही है तो एक छोटी सी चीज बताता हूँ कि ये रूल है अमेज़न का कि आपकी पहली पिक्चर हमेशा व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, हमेशा व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। आप जितनों को भी खोल कर देख लें, मैं बैक करता हूं, कुछ लोग व्हाइट बैकग्राउंड नहीं रखते फिर उनको सस्पेंशन भी आती होती है। देखिए सब ने पीछे कहां पे आ गया हूं मैं, सबने व्हाइट बैकग्राउंड रखा हुआ पीछे, ठीक है। ग्रे भी नहीं इवन रख सकते हम लोग, सबने व्हाइट बैकग्राउंड रखने पहली पिक्चर के अंदर। इसको खोलता हूं मैं जरा, फर्स्ट पिक्चर इसकी व्हाइट बैकग्राउंड, सारी अच्छा व्हाइट बैकग्राउंड पे रखी हुई। अच्छा नहीं ये नहीं है, और तो ये रूल है कि पहली पिक्चर आपकी व्हाइट बैकग्राउंड और आपकी मेन प्रोडक्ट, कंप्लीट मेन प्रोडक्ट की पिक्चर लगी हुई हो। सेट्स में बेच रहे हैं तो सेट की, सिंगल बेच रहे हैं तो सिंगल की, कंप्लीट एक पिक्चर लगी हुई हो। अच्छा 10 मिनट रह गए, मैं इसके अंदर जल्दी कवर अप करता हूं। और रिकॉर्डिंग फिर कर रहा था कि नहीं कर रहा था? हाँ कर रहा था, अल्लाह का शुक्र। सर ये सोर्सिंग में हम अपना नाम उसको देंगे, इस नाम से अपना ब्रांड नाम देंगे आप, अपना अपने ब्रांड का नाम, ये मेरा ब्रांड का नाम है, इसके मुझे पैकेजिंग वगैरह और इसके अच्छे से चीजें करके दे दो, ठीक है। अच्छा अब छोटी सी एक चीज है, होप से वो फाइल मुझे मिल जाए, क्रिएशन लिस्टिंग फाइल, हाँ यही है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि पहले तो पढ़े कि ये टाइटल क्रिएशन है, सिर्फ टाइटल के बारे में चीजें लिखी हुई है, व्हेन ब्रांड इज न्यू और व्हेन ब्रांड इज फेमस। अच्छा मजे की बात ये बात मैंने एक यूडेमी, एक जगह जिस तरह यूट्यूब होती है इस तरीके से यूडेमी होता है, वहां पर कोर्सेज पड़े हुए होते हैं, मैं वहां पर एक बुरे की वीडियो देख रहा था जो कि बहुत लंबी थी, आज से काफी अर्सा पहले देख रहा था, बहुत लंबी वीडियो थी। तो उस गोरे ने बताया था कि टाइटल लिखने के दो तरीके होते हैं, तो मैंने उसको नोट डाउन कर लिया था, अपने पास संभाल लिया था, ठीक है। मैं आप लोगों को भी कहता हूँ कि आप सिर्फ मेरे से सीख के ना रहा करें, आप खुद से भी प्रैक्टिस किया करें। मैं आपको वेरी फर्स्ट जैसे कह रहा हूँ, खुद से प्रैक्टिस किया करें, यूट्यूब पे जाकर देखा करें कि चीज कैसी है कैसी नहीं, आकर कुछ नहीं किया करें, ठीक है। अच्छा जी पहली चीज में वो क्या कहते हैं कि ब्रांड अगर आपका न्यू है, दूसरी सिचुएशन क्या देता है, ब्रांड अगर आपका पुराना हो चुका है, फेमस हो चुका है, तो टाइटल लिखने के तरीके क्या होने चाहिए। अब ये देखें गौर से देखें, आपका ब्रांड नया है, कोई नहीं जानता, आप कल पैदा हुए हैं अमेज़न के ऊपर, ठीक है, आपको कोई नहीं, बाय नेम जानता ही नहीं, लेकिन आपने अपना ब्रांड तो बनाना है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका ब्रांड बन जाएगा। तो आपने ब्रांड नेम तो ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा हुआ था, अब करना क्या है, होता ही है कि प्रोडक्ट नेम और मेन अक्सर सेम होते हैं, अक्सर सेम होते हैं, ठीक है, अक्सर ऐसा होता है, अक्सर नहीं बल्कि वो क्या कहते हैं, अक्लियत, अक्ल अक्लियत बेसिकली, ठीक है। माइनॉरिटी में ऐसा होता है कि प्रोडक्ट नेम जो है वो आपका, अगर अगर मैं कहूं कि मेरा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है शेफ नाइफ, लेकिन मेरा मेन कीवर्ड जो है वो किचन नाइफ भी तो है, तो मैं इसकी लिस्टिंग कैसे बनाऊंगा, ये कुछ मैंने डाले हुए कीवर्ड्स और वो सब चीज डाली हुई है कि किचन नाइफ, ठीक है, उसके बाद स्पेस या वो वाली बार एक डाल दें, बार कौन सी, ये बार डाल दें, ये वाली, ठीक है, ये बार डाल दें, उसके बाद देखने प्रोडक्ट नेम, आपका प्रोडक्ट नेम क्या, शेफ नाइफ। अब दो आपने मोटे मोटे कीवर्ड्स डाल दिए और अदर दो तीन कीवर्ड्स हैं वो आप डाल दें, कोई अदर एक दो कीवर्ड्स डाल दें, ठीक है। कैसे डालेंगे, आप इन दो को पढ़ें इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन्होंने तो खैर अपने ब्रांड का नाम शुरू में मेरे ख्याल डाल दिया होगा वाइल्ड लाइफ, अच्छा ये तुम्हारी प्रोडक्ट ही नहीं है। अच्छा जी ब्रांड नेम इसने डाला हुआ है जैपनीज एक्सीलेंस सीरीज गाटो नाइफ वगैरह, तो उसने नाइफ का एक अच्छा सा लंबा सा कीवर्ड इसने डाला हुआ है, उसकी डायमेंशन इसने लिखी हुई है, आप डायमेंशन सेकंड नंबर पे लिख दें, ठीक है। शेफ नाइफ फॉर होम और प्रोफेशनल किचन, अब यह देखें आपने मेन कीवर्ड या प्रोडक्ट नेम डाल दिया, अगर दोनों अलग है दोनों डाल दिए, उसके बाद अदर कीवर्ड्स डालने हैं, व्हाट आर अदर कीवर्ड्स, दीज आर अदर कीवर्ड्स, प्रोफेशनल किचन, शेफ नाइफ, ठीक है, ये अदर कीवर्ड्स हैं, शेफ नाइफ फॉर होम। अच्छा एक बात बता रहा हूँ कि आपने एक चीज याद रखनी है कि इसने अगर शेफ नाइफ का कीवर्ड डाला है ना इस जगह के ऊपर, ठीक है, इसने यहाँ पर शेफ नाइफ डाला हुआ है,
तो ये दोबारा शेफ नाइफ लिखिएगा कोई असर नहीं पड़ेगा। लोगों को अक्सर लगता है कि जी मैं एक ही कीवर्ड बार बार टाइटल में डालूंगा तो जी कोई बहुत कोई डेंसिटी बढ़ जाएगी मेरे टाइटल की, कोई नहीं बढ़ती होती। ठीक है, अगर आपने एक दफा शेफ नाइफ डाल दिया है, शेफ नाइफ फॉर होम डाल दिए फॉर एग्जाम्पल, तो आप शेफ नाइफ कर लें। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जरा इधर मैं कहूंगा शेफ नाइफ, सॉरी किचन नाइफ, ये स्पेस डालूंगा ये वाली, शेफ नाइफ फॉर किचन, उसके बाद अदर कीवर्ड्स डाल दूंगा, प्रोफेशनल शेफ नाइव्स। ठीक है, शेफ नाइव्स भी तो कीवर्ड था ना, शेफ नाइव्स फॉर मेन या शेफ नाइव्स फॉर पता नहीं क्या वगैरह, इस तरीके से डाल दूंगा प्रोफेशनल शेफ नाइव्स, इस तरीके से कीवर्ड मिला जुला के डाल दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट हिप्नोटिक फीचर लिखा हुआ है, ठीक है, बेनिफिट्स या ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब ये लाइन उस गोरे ने यह समझाया था कि आप टाइटल के अंदर अपनी अपने टाइटल के अंदर ये चीज ऐड कर दें कि उसकी डायमेंशंस और उसका हिप्नोटिक फीचर क्या है। हिप्नोटिक किसे कहते हैं, हिप्नोटाइज करना somehow के जो एक वन वर्ड एक वन लाइन आंसर पड़े कि यार मैंने इसको खरीदना ही खरीदना है, आप उसकी कोई ऐसी क्वालिटी कोई ऐसा बेनिफिट बता दें कि आपको बंदा कहे कि यार ये खरीदना है। ठीक है, उसकी शार्पनेस के बारे में बता दें, इजी टू यूज, ठीक है, शार्पनेस उसकी ऐसी है और कटिंग उसकी ऐसी, थोड़ा सा पहली लाइन के अंदर डिस्क्राइब कर दें। और ये आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं, आइडिया कहां से मिलेगा, अगेन सेइंग कंपेटिटर्स को देख के आइडिया मिलेगा, गो के इन्होंने बेशक ना यूज किया हुआ हो, प्रोफेशनल किसी शार्प देखें, शार्प एज कटिंग टूल, कटिंग टूल का वर्ड डाला है ना इसने, विद बोनस शार्पनिंग। अब ये लाइन क्यों पड़ेगा, बंदा के मुझे तो चाहिए ही वो थी जो थोड़ा सा बुचर नाइफ एक किस्म की चाहिए थी कि मुझे मीट कटिंग वगैरह के लिए यूज करना था इस नाइफ को, तो वो चीज पड़ेगा उसको अट्रैक्ट करेगी, वो फौरन से तीसरा काम कोई नहीं करेगा, डायरेक्टली एड टू बास्केट करके खरीद लेगा, एंड दैट्स इट। तो ये चीज जो है मैं आप लोगों से शेयर भी करता हूँ, ये फाइल जो है, ठीक है, आप लोगों से शेयर कर दूंगा। और आज का लेक्चर के अंदर जस्ट इतना ही था, 4 मिनट 30 सेकंड रह गए, जिसका जो क्वेश्चन है मुझसे पूछे। सर अगर हमने लिस्टिंग के लिए मतलब वो सरफेस देखना हो लिस्टिंग का, तो हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, लिस्टिंग का सरफेस मतलब के सेलर सेंट्रल में जहां बुलेट्स पॉइंट वगैरह लिखनी है प्रैक्टिस के लिए। गुड यार, गुड गुड गुड, मैं आपको लिस्टिंग कहां से दिखाऊं यार, रुको पर बहुत पहले की लिस्टिंग है, बहुत पहले की, टाइटल अच्छा सा लिखा था, एक्यूरेट सा, बुलेट पॉइंट्स लिखे थे, ठीक है, उसका ये सब चीजें खुद लिखी थी बैठकर, उसके हेडिंग्स वगैरह डाले, डिस्क्रिप्शंस डाले मैंने, और ये सब चीजें डालकर एक अच्छी सी लिस्टिंग बनाई थी। तो आपने भी इस तरीके से बैठकर टाइटल लिखना है, बुलेट पॉइंट्स एक एक करके लिखने हैं पांचों, ठीक है, हेडिंग आप अपनी मर्जी की डाल लें। आप 2-3 कंपेटिटर्स को देखिए, उन्होंने पहली हेडिंग क्या डाली हुई है, पिज्जा पिल एल्युमिनियम, मैंने उसका मटेरियल डाल दिया, ठीक है, उसका डिजाइन का डाल दिए, मल्टीपर्पज में यूज कर सकते हैं हम उस चीज को, ठीक है, इजी टू यूज। सॉरी ये वर्ड पे हुआ है सारा काम, एग्जैक्टली वर्ड की फाइल खोली थी मैंने, आप इसको अच्छे से करके अपने पास रख के लिख लें, सॉरी लिख के रख लें और अपने क्लाइंट को दे दें, ठीक है, ठीक है। ये मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आप लोगों से वही बातें सिखा सकता हूँ, बट अपनी फाइल शेयर नहीं कर सकता, ठीक है, आपको दिखा दिया मैंने कि काम करते कैसे, अब आप लोगों ने ऐसे काम करना है। मैं आपको ये वाली फाइल जरूर शेयर करता हूँ, टाइटल क्रिएशन वाली, आप लोगों ने इस चीज को लाजमी देखना है, बल्कि शेयर क्या करना है, ऐसे लिख के भेज देता हूँ, ठीक है, बल्कि शेयर कर दूंगा, छोड़े। अच्छा अगेन 2 मिनट रह गए, किसी और का क्वेश्चन रहता हो तो मुझसे पूछे। सर हम डायरेक्ट यहाँ से पिक्चर इमेज कॉपी करके जस्ट फॉर प्रैक्टिस अगर हम कर रहे हैं, वहां से इमेज कॉपी कर सकते हैं। हाँ कॉपी करें, कॉपी करने का तरीका ये, आप इसको यहाँ से सेव एज इमेज करेंगे तो कभी भी नहीं होगी, इसको खोलें, ये खोलेगी फिर इसको सेव एज इमेज करें, ठीक है, ये तरीका है इसका। लेकिन आप ना किसी का कॉपी कर सकते हैं कुछ भी, इवन पिक्चर्स, इवन डिस्क्रिप्शन, ना ही कुछ और कॉपी कर सकते हैं, आपने अपना सब कुछ बनवाना है, ठीक है। क्या लगता है ये बंदा किचन में खड़ा हुआ था और उसके साथ ही जाके सीरियम सीरियो या पता नहीं क्या इन लोगों ने अपनी नाइफ रखी है और पिक्चर खींची है, नहीं, ये डिजाइनर का काम होता है, ठीक है। और वो जो क्लाइंट है वो इतना पागल है, उसको सब चीजें पता होंगी कि ये बंदा जो है ये काम टेक्निकल करने वाला है, उससे मैंने चीजें नहीं करवानी, ये मैं खुद करवा के इसको दूंगा, ठीक है।
हमारा लिस्टिंग जो है, बड़े गौर से सुने, लिस्टिंग हमारी खत्म हो चुकी है, ठीक है। मैंने आप लोगों को इस सैटरडे को एक प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन सिखानी है, वो मैंने इस संडे को सिखानी थी, बट लिस्टिंग आ गया इस दिन। प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन सिखानी है, उसके बाद आप लोगों को सेलर सेंट्रल बनवा कर देना है। मैंने एक हफ्ते के लिए बनेगा, आप लोग बनाइएगा, उस पर प्रैक्टिस करिएगा, इंडिया का बनाइएगा, ठीक है। एक हफ्ते के लिए बनता है, सस्पेंड हो जाता है, उसके बाद अच्छे से उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, लिस्टिंग कैसे डालते हैं, लिस्टिंग कैसे रिमूव करते हैं वगैरह वगैरह, उसको सही आपने किस्म का मस्तियां करके उसको खराब कर देना पूरा, ठीक है। दोबारा बन जाता होता है, कोई मसला नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप लोगों ने उसमें मस्तियां करनी है, अच्छे से समझना है काम करते कैसे कैसे नहीं। और उसी सैटरडे को या उससे सैटरडे को बल्कि एक, हाँ ठीक है, लिस्टिंग अपलोड करना सिखाऊंगा प्लस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन सिखाऊंगा। संडे को हमारा एक छोटा मोटा और काम है। अब हम जा रहे हैं एंडिंग की तरफ, ठीक है। दो चीजें आती हैं, एक मैनी चैट आता है और एक पिक्सल फाई आता है, दो तीन चीजें रहती हैं, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। अब हम इंशाल्लाह एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। अपने तीन चीजें जो हमारी चार मेन चीजें थी, इसमें से तीन चीजें हम कवर कर चुके हैं, विच इज प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग एंड लिस्टिंग, कवर अप हो चुका है, ठीक है। दो तीन चीजें जो एसेसरीज है, एक बंदे को आनी चाहिए, उनका ऐसा यूज नहीं है लेकिन आनी चाहिए, वही मैं अगेन कहता हूँ, आना चाहिए बंदे को, वो चीजें सिखाऊंगा, ठीक है। जिसके अंदर एक पिक्सल फाइव आता है, एक मैनी चैट आता है और एक अकाउंट क्रिएशन इंडिया का मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे बनाना है, ये सब चीजें आती हैं। उसके बाद हमारा फिर पीपीसी सीखेंगे और उसके बाद फिनिश, उसके बाद आप लोग मार्केट में